हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जब हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम उस पर हक जताते हैं ना कि ये मेरा प्रॉपर्टी है चाहे वो जमीन हो चाहे मेरी गाड़ी हो कोई भी प्रॉपर्टी हो वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल टेंजेबल कोई सा भी हम हक जताते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है आज का टॉपिक क्या है जो कि आप लोगों के अदर लीगल सब्जेक्ट का पार्ट है दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो वर्ड टू वर्ड सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है सबसे पहला आप लोगों का वर्ड है इंटेलेक्चुअल। देखो नाम से मालूम चल रहा है और मैंने यहाँ पे जो पिक्चर भी शो किया है दिमाग की बत्ती जली तो जब दिमाग की बत्ती जलती है तो आप देख रहे हैं कैसे मतलब आज के सिनेरियो में अगर हम बिजनेस की बात करें तो कितने लोग अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं व्हाई बिकॉज ऑफ दिस तो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है बुद्धि हम स्टूडेंट्स हैं राइट सचिन वी आर द स्टूडेंट हम लोगों का मेन फोकस किस पे रहता है जल्दी पढ़ाई करना है हमें पढ़ाई करके अच्छा कॉलेज लेना है फिर अच्छी नौकरी चाहिए अच्छी बीवी चाहिए एटसेट्रा लेकिन सोचिए उन पर्सन का जो अपना दिमाग लगा के किस पे दिमाग लगाते हैं प्रॉपर्टी को बनाने में एक ऐसा प्रॉपर्टी बनाए पे सिर्फ मेरा हक हो और उस प्रॉपर्टी से मुझे पैसा मिले मेरा जमीन है मुझे दादा से पापा से ये जमीन मिले मुझे मिला है तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया हेलिडिटी एक प्रॉपर्टी होता है जो मैंने खरीदा मैंने फ्लैट खरीदा एक करोड़ में ऐसे प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन सोचिए उन पर्सन का जो प्रॉपर्टी अपने बुद्धि से बनाते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट जैगुआर चाहिए बिल्कुल सब चीज मिलेगा पढ़ लो पहले और राइट का मतलब मैंने अपने बुद्धि से प्रॉपर्टी बनाई है मेरा उस पर हक है तो ये जो आप लोग का वन शॉट सेशन है जहां पे हम आईपीआर का हर एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे और क्या चीज एग्जाम में आता है क्या चीज पूछा जाता है एवरीथिंग वी विल डिस्कस हेयर तो सबसे पहले हम लोग को समझना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड अपने बुद्धि से जो प्रॉपर्टी बनाया है उस पर अब उसका हक है और जो प्रॉपर्टी बनाया है बट ऑब्वियस लोगों के यूज के लिए है दे यूजअली गिव द क्रिएटर क्रिएटर मतलब जिसने प्रॉपर्टी अपने बुद्धि से बनाया है एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज़ ऑफ हिस क्रिएशन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मैं जो भी प्रॉपर्टी बनाऊंगी अपनी बुद्धि से सपोज़ दस साल तक उस पर किसका होखा हुआ मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ दस साल तक सिमरन जो भी पैसा आएगा मुझे मिलेगा उसके बाद ये जो मैं अपना राइट है वो पब्लिक डोमेन में कर दूंगी मतलब कोई भी अब इसको क्या कर सकता है यूज कर सकता है हमारे इंडिया में अब जाके धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे एक डेवलपमेंट पे साइंस पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और इस आईपीआर फील्ड को डेवलप किया जा रहा है एग्जैक्टली exactly, सचिन हम सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे आईपीआर में क्या क्या चीजें आती है हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले बताइए आप लोगों को इसका बेसिक तो समझ में आ गया ना कि exactly तो यह आप लोग का बेसिकली क्या है डेफिनेशन है सो द प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाई द माइंड ऑफ द पीपल एंड इन विच आई है एप्सल्यूट राइट दिस इज वॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को डेफिनेशन में कोई डाउट यहां पे? जल्दी बताइए डेफिनेशन क्लियर रितानशु डन सो अब देखिए क्लास सबसे पहले आईपीआर में आप लोगों के क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है सबसे पहले देखिए कॉपीराइट। राइट अभी सिर्फ नाम सुनिए मतलब ये सब जो एग्जाम्पल आपके सामने लेके आई हूं ना ये सब एग्जाम्पल आई के अंतर्गत आता है सबसे पहला आप लोग का है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पेटेंट डिजाइन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्लांट ब्रीडर्स राइट सर्किट लेआउट पासिंग ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने रखे हैं जो सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है सोचिए लेकिन आप लोगों के एग्जाम में ना इतने सारे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं आते हैं जो जो पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं सबको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के सहित यहाँ पे क्लियर करूंगी समझ में आ गया तो देखिए क्लास आप लोगों का सबसे पहले अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें यहां पे आती है तो सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे कॉपीराइट ये एग्जाम में आता है ट्रेडमार्क पेटेंट एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन ये चार ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगी जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कॉपीराइट राइट में बहुत लगता है सब पढ़ेंगे एवरीथिंग वी विल डिस्कस तो सबसे पहले चार एग्जाम्पल आपको याद करने हैं तो याद करो जोग्राफिकल इंडिकेशन कॉपी ट्रेडमार्क पेटेंट इन चारों के अलावा आप सिर्फ नाम देखिए आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है बहुत बढ़िया सचिन आप में से काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको है। तो ये सब चीजें आती हैं तो बेटा ये वाई सेशन इज जस्ट रिवीजन फॉर द लीगल रीजनिंग लीगल रीजनिंग में जो आप लोग का अदर लीगल सब्जेक्ट है तो पूरा सितंबर हम लोग अदर लीगल सब्जेक्ट पढ़ेंगे जितने भी सेशन मैंने वाई में कराए हैं सब के सब अगले साल 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलिए तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहां पे वॉट इज दिस दिस इज योर मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बोला है दैट इज ट्रेड सीक्रेट यहां पे कॉपी या इसको आप लोग बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी यहां पे आप लोग इसको जोग्रफिकल इंडिकेशन कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क इन्हीं चारों में से आप लोगों के क्या है क्वेश्चंस आते हैं येस yes, बेटा यस yes, हार्दिक बिल्कुल हार्दिक वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने यहां पर सारे एग्जाम्पल्स को कर लिया है हार्दिक आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ये आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है एवरीथिंग कम इन एग्जाम सबसे पहला आप लोग का है कॉपी राइट तो कॉपी राइट देखिए होता क्या है जैसे कॉपी करना ये वर्ड हम कहाँ से सीखते आ रहे हैं ये जो वर्ड आप लोग का है कॉपी करना ये आई थिंक हम लोग स्कूल लेवल से इसको सुनते आ रहे हैं जैसे एक लड़का आगे एक लड़का बैठा हुआ है उसकी कॉपी देख रहा है कॉपी कर रहा है मतलब नकल कर रहा है राइट right ना और राइट right का मतलब क्या है आप लोग का राइट right का मतलब होता है हक एक बात बताइए अब इसमें कॉपीराइट में आता क्या है सपोज ये बुक है सबने हैरी पॉटर देखा है सबने हैरी पॉटर देखा है तो हैरी पॉटर का जो बुक है किसने लिखा है हैरी पॉटर का बुक लिखा है जेके रॉलिंग ने सबको मालूम है ओके जेके रॉलिंग प्रियांशी जोशी कहां पे मिला है एडमिशन पे मिला है तो क्लास ये जो बुक है जो कि जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर आप भी जानते हैं उसका सीरीज भी है इसका मूवी है बुक है तो जब ये बुक इन्होंने लिखी इतना फेमस बुक हुआ इतना बिक्री हुआ कभी इसका स्टोरी सुनिएगा अब लेकिन क्या है हमारे देव कुमार ने क्या किया देव कुमार इस बुक को इंडिया में लेके आए और देव ने इस बुक में अपना नाम लिख के क्या किया बेचना शुरू कर दिया कहानी तो मस्त है ही तो देव जी जब आपने अपना नाम यहाँ पे मेंशन किया तो लोग इंडिया में भी बिक्री शुरू हो गई लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे जेके रॉलिंग को मालूम चला कि इंडिया में कोई मेरा बुक अपने नाम से बेच रहा है तो शी कैन फाइल द केस ऑन दैट पर्सन भाई मेरा ओरिजिनलिटी है मैंने अपने माइंड से सोच कर इस बुक को लिखा है और तुम अपने नाम पे कर रहे हो दिस इज वेरी बैड तो ये जो कॉपीराइट है तो ये आप लोग का जे के रॉलिंग का इस किताब पे सिर्फ इन्हीं का हक है और कॉपीराइट में जो आप लोग का टेन्योर होता है कि कितने साल तक इनका हक रहेगा तो सिक्सटी ईयर प्लस लाइफ टाइम ऑफ ऑथर ये आप लोग का टेन्योर है एम एस सी टी में स्लैट में इन सब में क्या है आप लोग का आता है यस yes, अंजलि ठीक है yes. यस ये सब आप लोगों के मिसलेनियस लॉ अदर लीगल सब्जेक्ट्स के पार्ट है तो मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया कोई आप लोग का पेंटिंग है पेंटिंग है आप लोग का कोई बुक है कोई गाने का लिरिक्स है इतना फेमस हो गया है आप लोग उसको अपने नाम पे नहीं कर सकते समझ में आ गया सो दिस इज योर कॉपी राइट अंजलि यार तुम पहले यार एक काम करो जो बच्चे पूछते हैं ना कि मैम ये क्लैट में आएगा मैं उनसे बोलना चाहती हूं कि प्लीज बेटा जाइए पहले सिलेबस देख के आइए क्लैट का सिलेबस क्या है मतलब क्लाट में सिर्फ तीन महीना बाकी है सिलेबस क्या है तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं ठीक है क्लास तो ये आप लोग का टेन्योर है टेन्योर जो आप लोग के होते हैं ना मतलब इतने साल तक सिर्फ इसी को पैसा मिलेगा बिकॉज इसके नाम पे आ रहा है तो ये आप लोग का जो टर्म है ना वो टर्म आता है आप लोग के एमएससी टी के उसमें स्लैट में सी यू बी टी यू जी में ये सब में आप लोग के क्वेश्चन आते हैं <coughs> किसी को कोई डाउट यहां पे कॉपी राइट पे तो सोचिए क्रिएशन कोई गाना बताइए जो बहुत फेमस है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता अगर उसका रिमिक्स भी बनाना है सो यू हैव टू टेक द परमिशन हैव टू टेक द परमिशन बताइए कोई गाना जो बहुत फेमस है कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता कॉपी करता भी है परमिशन लेके करता है बताओ बोलिए बोलिए कोई फेमस गाना है क्लास जल्दी जल्दी बताओ कोई फेमस गाना अलीशा बेटा जो सिंगर एक दूसरे का गाना कॉपी करके गाते हैं ना तो वो सब बेटा परमिशन लेते हैं परमिशन नहीं लिया तो आप लोग का केस फाइल कर सकते हैं अरिजीत सिंह का हेमा बहुत सारे गाने हैं ठीक है तो आप लोग याद कर समझाती हूं पेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज का इन्वेंशन करना कोई भी चीज़ का इन्वेंशन करना ऐसा इन्वेंशन किसी भी दुनिया में नहीं हुआ है एक बात याद रखना आप लोग जितने भी मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको लेती हूँ या जो भी आपका पेटेंट कॉपीराइट है सपोज मैंने कोई गाना यहाँ पे बनाया वो गाना सबसे पहले अगर मुझे रजिस्टर करवाना है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा और ये ऑल ओवर वर्ल्ड चेक होता है कि कहीं ऐसा गाना कहीं ऐसा बुक है तो नहीं चेक किया जाता है तब जाके उस चीज पे मेरा हक होता है तो पेटेंट में सपोज यहां पे हम लोगों का बल्ब बना है तो क्लास बल्ब हम लोगों का थॉमस एडिसन ने बनाया ऐसा चीज जो कि आज तक कभी इन्वेंशन नहीं हुआ व्हाट इज दिस दिस इज योर पेटेंट तो भाई इस बल पे हमारे थॉमस एडिसन का ही क्या है हक रहेगा जैसे कभी कभार क्वेश्चन आता है कि पेटेंट का मतलब क्या होता है पेटेंट का मतलब होता है इन्वेंशन मतलब नया चीज को ढूंढना और एक वर्ड होता है आप लोग का डिस्कवरी करना कोई बता सकता है इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं पहले सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और मैं आपको बताऊंगी इस फील्ड में आईपीआर फील्ड में बहुत स्कोप है बहुत पैसा है अगर आपको इस फील्ड में एडवोकेट बनना है या किसी कंपनी को ज्वाइन करना है जो कि आईपीआर से रिलेटेड कंपनी है बताइए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इन्वेंशन या आप लोग का डिस्कवरी कोई बता सकता है यहां पे लगाइए कॉमन सेंस what is the basic difference between patent and discovery rita ji beta iska mujhe meaning mat batao invention ka matlab hota hai naya चीज को नई चीज को बनाना that is called इन्वेंशन और discovery का मतलब है जो जो चीज ऑलरेडी है उसे खोजना जो चीज ऑलरेडी है उसे खोजना दिस इज कॉल्ड वॉट डिस्कवरी ये आप लोग का सिंपल सा मतलब है इन्वेंशन और इसका मतलब क्योंकि बेटा डिस्कवरी में ऑलरेडी चीजें हैं उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं खोज रहे हैं लेकिन इन्वेंशन में हम चीज नया चीज बना रहे हैं कोरोना आया क्या कोरोना का आज तक कभी वैक्सीन बना था क्या कोरोना वायरस ही यहां पे आया था द आंसर इज नो तो कोरोना वैक्सीन बना तो उसका पेटेंट इंडिया के कंपनी मतलब इंडिया के कंपनी ने भी बनाया था तो उसका पेटेंट कराया गया तो ऐसे बेटा मेडिकल फील्ड में या बहुत सारे फील्ड में आप लोगों के ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम अपना पेटेंट करवाते हैं तो ये आप लोगों का बेसिक डिफरेंस होता है आप देख सकते हैं चश्मे का डिजाइन आज तक कभी ऐसा चश्मा नहीं बना ये गाड़ी का डिजाइन आज तक ऐसा नहीं बना शू का देख रहे हो ये सब का पेटेंट किया जाता है देखो ये व्हील है ऐसा कभी व्हील नहीं बना तो सोचिए पेटेंट मतलब नया चीज का इन्वेंशन बिल्कुल बेटा ठीक है तो ये होता है आप लोग का दिस इज कॉल्ड पेटेंट तो पेटेंट बोले तो नया चीज का इन्वेंशन करना उस पर अपना हक जताना और इसका टेन्योर कितना होता है बीस साल का होता है यानी कि बीस साल सिर्फ सिर्फ मेरा हक होगा बीस साल के बाद मैं इसको कहां पे दे दूंगी पब्लिक डोमेन में इस फील्ड में बहुत स्कोप है पेटेंट फील्ड में मतलब मैंने बोला ना आईपीआर रितानजु बेटा कहाँ पे पेटेंट करते हैं मैम रितानजु बेटा आप देखो जैसे मैं इंडिया की एग्जांपल लू ठीक है इंडिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल माई हजबेंड इज अ पेटेंट अटॉर्नी रियल में तो इंडिया में लीगल फॉर्म है दैट इज इन गुड़गांव तो गुड़गांव में फॉर्म है वहां पे ट्रेडमार्क का भी काम होता है पेटेंट का भी काम होता है डिजाइन का भी होता है हर चीज में तो आईपीआर फील्ड में भी आप लोग का एक लिटिगेशन फील्ड होता है लिटिगेशन मतलब जो कोर्ट में मैटर को लेके जाते हैं और एक होता है सिटिंग जॉब सिटिंग जॉब मतलब उनका काम है सपोज पेटेंट डिपार्टमेंट पेटेंट फाइल करना निकिता मैम ने कुछ इन्वेंशन किया मैंने इस फॉर्म में अपना पेटेंट भेजा अब ये फॉर्म का काम है जो पेटेंट अटॉर्नी होगा कि वो ऑल ओवर चेक करे कि कहीं ऐसा इन्वेंशन और कहीं तो नहीं है अगर नहीं है तो पेटेंट रजिस्टर करवाया जाएगा समझ में आ गया तो ये होता है पेटेंट डिपार्टमेंट का काम तो अगर रजिस्टर हो गया तो अब मेरा उस पर हक होगा तो सोचिए फॉर्म का काम होता है सर्च करना ऑल ओवर वर्ल्ड कि कहीं ऐसा पेटेंट हुआ तो नहीं है समझ में आ गया तो ये आप लोग का होता है पेटेंट का काम नाउ ट्रेडमार्क अब क्या है आप लोग का ट्रेडमार्क बिल्कुल बेटा माही मेडिसिन का नया मेडिसिन का इन्वेंशन किया उसका पेटेंट है बिल्कुल रितानशु यार बिना फीस लिए तुम्हारा करेंगे रजिस्ट्रेशन बेटा हर रजिस्ट्रेशन में फीस पे होगा इसी फीस से तो भाई पैसा आता है आप लोग का समझ में आ गया इसी फीस से उसके बाद बेटा आप लोग का नेक्स्ट क्या है दैट इज ट्रेडमार्क क्या होता है ट्रेडमार्क किसी ट्रेड ट्रेड का मतलब बिजनेस ट्रेड का मतलब बिजनेस किसी बिजनेस का मार्क और उस मार्क से हमारा बिजनेस जाना जाए उस मार्क से तो आप देख सकते हैं नाइकी जस्ट डू इट मैगी का ट्रेडमार्क आईफोन ये क्या है मैगडी एडिडास का कोका कोला लेकिन सबसे पहले अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज द लोगो तो आड़ा इस लोगो से जाना जाता है समझ में आ गया तो ट्रेडमार्क में भी आप लोगों का ऐसा मार्क जो किसी बिजनेस को शो करता है और ट्रेडमार्क में आप लोग का होता है दस ईयर का टेन्यूर उसको रिन्यू भी कराया जाता है बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोग के ट्रेडमार्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो बताइए ट्रेडमार्क आपको समझ में आया हर मोबाइल का ट्रेडमार्क हर कार का ट्रेडमार्क अगर किसी ने कॉपी किया वी कैन फाइल द केस मनीष मैम क्या किसी आइडिया का भी पेटेंट होता है मनीष बिल्कुल नहीं जैसे मनीष ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैम सपोज आइडिया आइडिया का मतलब निकिता मैम ने सोचा सब तो, सपोज आज तक कभी एप्पल मोबाइल नहीं आया निकिता मैम ने आइडिया किया मनीष कि मुझे एक ऐसा फोन बनाना है जो कि बहुत अलग है जो एंड्रॉइड ना हो उसका मैंने मार्क रखा ये उसका मैंने ये मार्क रखा लेकिन जस्ट आइडिया है मेरे दिमाग में इस आइडिया को मैंने शेयर किया मनीष के साथ मनीष ये आइडिया मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया अब मनीष ने क्या किया देखो ध्यान से क्लास ये आइडिया मैंने मनीष को शेयर किया और मनीष ने फटाक से आईफोन बना दिया और मैं तो भाई घूमने चली गई थी एक मंथ के लिए जैसे ही एक मंथ बाद आई देखा तो मनीष ने मेरे आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया अब एक बात बताइए इस आईफोन पे किसका नाम रहेगा निकिता मैम का या मनीष का किसका हक रहेगा <coughs> जल्दी बताओ आइडिया को इंप्लीमेंट किया है मनीष ने निकिता मैम तो बस टूर करके आई देखा तो निकिता मैम शॉक्ड बोलो 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 बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोग को तो बेटा आइडिया का मनीष बेटा कोई वैल्यू नहीं है आइडिया को जिसने इंप्लीमेंट किया उसका वैल्यू है तो मनीष का हक रहेगा सो so, आइडिया को कभी भी इस फील्ड में मत ज्वाइन करिएगा चलो सबको समझ में आ गया नाउ जोग्राफिकल इंडिकेशन देखो क्लाट में बहुत अच्छा सा पैराग्राफ किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है एग्जैक्टली exactly, तो टॉपिक को अच्छे से समझिए ठीक है ठेके? अब क्या है आप लोग का जोग्राफिकल दिस इज इंडिकेशन ऐसा इंडिकेशन जो किसी जोग्रफी को ज्योग्रफी मतलब जो किसी क्षेत्र को क्या करे इम्प्ली दिखाए शो करे ठीक है तो यहां पे जैसे आप सबको मालूम है बासमती राइस इंडिया का जीआई टैग लगा हुआ है दार्जिलिंग का टी कांचीपुरम सिल्क साड़ी अल्फांजो मैंगो नागपुर का ऑरेंज कोल्हापुरी चप्पल बीकानेरी भुजिया आगरे का पेठा तो इन सबके ऊपर जी का टैग लगा है यानी कि अगर आगरा है आगरा का अगर पेठा बहुत फेमस है तो ऐसा पेठा जो भी कहीं भी खाएगा सीधा पहचान जाएगा कि ये हमारा आगरा से लिया गया है तो ये चीज किसी प्लेस को शो कर रही है इंडिकेट कर रही है तो इस पर भी आपका हक है बहुत बढ़िया किसका हक है आपका हक है तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है देखो मैंगो मुंह में पानी आ रहा है पेठा तिरुपति के लड्डू ये सब क्वेश्चन आते हैं ये सब आप लोगों के क्लास क्वेश्चन आते हैं कोल्हापुरी जैसे जो चप्पल है कोलापुरी चप्पल कहाँ का फेमस है ये आपको आता है तो हर चीज में जो नया चीज है जैसे पहले टर्मरिक भी इंडिया में पहले खोज हुआ था लेकिन टर्मरिक पे हम लोगों ने क्या किया था जीआई नहीं किया तो किसी और के नाम से हो गया तो सोचिए जब वो चीज फेमस हो जाता है जैसे मान लीजिए आप लोग का कांचीपुरम सिल्क साड़ी फेमस हो गया तो कितना यहाँ पे बिक्री होगा <coughs> ठीक है बिहार का लिट्टी चोखा अच्छा ठीक है तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है ये तो भाई इंडिया का है बाहर के फॉरेन के भी आप लोग के बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों का जीआई का पार्ट है समझ में आ गया तो ये चारों जो मैंने आप लोग को बताए हैं पेटेंट कॉपी राइट इंडिकेशन ट्रेडमार्क ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है इन द आई समझ में आ गया ट्रेडमार्क का टेन्योर दस साल का होता है विशाल बेटा जोग्राफिकल इंडिकेशन इज बेसिकली बेटा कोई ऐसा चीज अब सपोज बीकानेर का भुजिया फेमस है तो बीकानेर में जो भी आप लोग का अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया है अपने प्लेस का जीआई इस भुजिया के नाम से कर रखा है मतलब भुजिया का जीआई होगा राइट तो जोग्राफिकल इंडिकेशन में बेटा सोचो ना अगर हो गया तो सोचो बीकानेरी भुजिया कहाँ कहाँ फेमस है कहाँ कहाँ जाता है तो बेटा कोई इसके नाम से नहीं बेच सकता ये सिर्फ इसी के नाम से जाना जाएगा और लोग इसे खरीदेंगे इट समझ में आ गया लोग इसे खरीदेंगे विशाल तो ये सब चीजें क्यों आपका आ, रजिस्टर करवाई जाती है सो so दैट ये हमारे नाम से जाना जाए और सब हमारे पास आए इसे खरीदने के लिए भुजिया तो हर जगह मिल जाएगा लेकिन बीकानेर में कुछ तो स्पेशल होगा जिसमें कि ये फेमस हो गया आप लोगों का लोगों को पसंद आ रहा है तो जब चीज फेमस हो जाती है तो सब कोई उसे खरीदना चाहता है सब कोई टेस्ट करना चाहता है यही चीज आप लोग का है दार्जिलिंग टी तो भाई दार्जिलिंग टी कुछ तो फेमस होगा कि लोग वहीं से चाय खरीदना चाहते हैं किसी को टाटा या रेड लेबल नहीं खरीदना है दार्जिलिंग का टी चाहिए That's it. बिल्कुल बाही इज दैट ओके तो ये आप लोग का चारों इंडिकेशन है नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स इन डिमांड अब देखिए मैंने आपको क्या बोला आईपीआर फील्ड को इतना छोटा मत समझिएगा जिसको भी आईपीआर फील्ड में जाना है ना दैट इज अ वेरी बेस्ट फील्ड आई फील्ड में क्या है अगर आपको एंट्री करना है तो कॉलेज टाइम से आप लोगों को इंटर्नशिप करना चाहिए इंटर्नशिप कहाँ पे जैसे आई के फॉर्म्स होते हैं क्या बोला मैंने आईपीआर के आप लोगों के लीगल फॉर्म्स होते हैं तो लीगल फॉर्म्स में आप लोग अपना क्या कर सकते हैं आजमा सकते हैं जा सकते हैं वहां पे ठीक है तो जैसे मान लीजिए मैं मुंबई से कर रही हूँ ग्रेजुएशन जीएलसी कॉलेज से मैंने वहाँ के जो फेमस आप लोग का इंडिया का टॉप टेन लीगल फॉर्म सर्च करिएगा वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आप लोग का हर साल नोटिफिकेशन निकलता है उस पर अप्लाई करिए और अप्लाई करेंगे तो अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया तो पाँच साल आपका कॉलेज में छुट्टी तो मिलता ही है तो आप लोग वहाँ पर इंटर्नशिप करके एक नाम कमा सकते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे अच्छा खासा आईपीआर फील्ड में जॉब कर सकते हैं समझ में आ गया तो एक होता है आप लोग का आईपीआर फील्ड में जो जॉब आप लोग का बेसिकली होता है या तो आईपीआर में लिटिगेशन फील्ड में जाइए मतलब कोर्ट कंपनी का जितना भी केसेस है कोर्ट में प्रेजेंट करना और एक आप लोग का होता है सिटिंग जॉब जहां पे आप लोग का फाइलिंग रजिस्ट्रेशन ये सब का है और हर एक लीगल फॉर्म में मौका मिलता है वर्ल्ड वाइल घूमने का जहां पे वर्ल्ड वाइड आईपीआर के आप लोग के सेमिनार्स होते हैं वहां आपको जाने का मौका मिलेगा वहां अपने लीगल फॉर्म को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो बेटा अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया के कंपैरिजन, बाहर के कंट्रीज में और इसका अपॉर्चुनिटी है समझ में आ गया इसीलिए इस फील्ड में पैसा दम भर कर है एक बार एंट्री करिए भले ही आप लोग का पैकेज चार पांच लाख होगा लेकिन इसमें आप लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है तो आज ही आप लोग सर्च करिए इंडिया के टॉप मोस्ट लीगल फर्म जहां पे आप लोग का ग्रोथ है तो यहां पे आप देख सकते हैं आईपी अटोनी आर डिमांड अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट बाहर के कंट्रीज में थोड़ा सा साइंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो डेवलप कंट्री है तो वहाँ भी खूब सारे पेटेंट जीआई आप लोगों के होते हैं सो विथ न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट आई पी लॉयर्स आर नीडेड फॉर क्रिएटर कंटेंट प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक राइट्स तो इलेक्ट्रॉनिक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस बायोटेक इंजीनियरिंग बायोकेमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन सब फील्ड में आप लोगों का आई का जरूरत है यस रितंश तभी मैंने बोला ना आपको यस पेरिस सिंगापुर जहां जहां पे आप लोगों के आईपीआर के मीटिंग्स होते हैं वहां अपॉर्चुनिटी मिलती है सो so, ये सब जो मैं बीच बीच में कहती हूँ यू हैव टू जस्ट नोट डाउन सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इन दिस फील्ड ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं लेकिन ये भी आप लोग का वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है मॉक पेपर ई बुक्स एक्सेट्रा सो इस बैच को लेने के लिए आप लोग यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं वाई थ्री नाइन वन पी फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन